दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जसोदा की रसोई ब्लॉग में। आज हम बनाने जा रहे हैं कुछ नई रेसिपी, बने रहे वीडियो में देखें। आधा किलो टमाटर ले लिए, इसे लाल वाले इनको धो लिए अच्छे से, दो पानी में धो के साफ कर लिए, और एक गुड़ ले लिया इतना, शक्कर ले ली 4 चम्मच छोटी चम्मच से, जीरा राई, कुछ मसाले ले लिए थोड़े थोड़े आधी आधी चम्मच, एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर, नमक दी। चलो इन्हें एक किसनी से किसते हैं। अब किस भी सकते हैं और मिक्सर से भी पीस सकते हैं, या उबाल लेते हैं पानी में उससे भी पेस्ट बना सकते हैं। तो हम मैं किसका ही निकाल रही हूँ, कच्चे टमाटर है, किसनी से किस रही हूँ, किसके पेस्ट बना रही हूँ। ऐसे छिलका निकल जाएगा, जे ये हटा देंगे, अंदर का गूदा सब निकल आ जाएगा, अंदर किसी में आ जाएगा ऐसा। इस तरीके से किस लेती हूँ ऐसे, किस लेते हैं पूरे ऐसे ही। एक एक करके सारे टमाटर किस लेते हैं। इसे अच्छे से किस लिया किसनी में कद्दूकस की मदद से, इससे अच्छे से हमने किस लिया ऐसे बारीक, पतला पेस्ट हो गया। अब चलते हैं गैस चालू करते हैं। गैस चालू करेंगे, एक कढ़ाइया रखते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, 1 ही चम्मच डालेंगे बस। अब इसमें डालेंगे जीरा है, राई है, थोड़े स्वाद के लिए टेस्ट अच्छा आएगा उससे, इसलिए ये डालते हैं, थोड़े चटक जाए ऐसे, चटक जाते। अब चटक गए, आप डालेंगे इसमें, एक गुड़ लिया था हमने, एक गुड़ डालेंगे। अब इसमें चलाते रहेंगे, फिर जो थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसे गला लेंगे अच्छे से, ऐसे पिलक जाएगा, गर्म हो जाएगा, वो सारी गुठलियाँ फूट जाएगी। फिर इसी में डालते शक्कर, 4 चम्मच शक्कर है, अच्छे से मिक्स करके इसे गला लेंगे ऐसे अच्छे तरीके से। फिर इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक, थोड़ी सी धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। अब इसको अच्छे से बनाएंगे इसकी चाशनी, जो मार्केट में मिलता है लाएंगे, बहुत अच्छी चाशनी बना के तैयार करेंगे इसकी। तरीके से ऐसे उबाल आ रही है, चलाते रहेंगे तो घुल जाएगी शक्कर न गुड़ दोनों चीज ऐसे। इस तरीके से ऐसे चलाते हुए अच्छे से मैश कर लेते, बिल्कुल मिक्स, अच्छी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड, ये देखो अच्छे बन गई चाशनी। एक टमाटर का पल्प किसके रखा था, इसको पल्प निकाला था, ये डालते हैं। ये डालेंगे और अच्छे से चलाएंगे अब इसको। इसका कलर चेंज हो गया दोस्तों, देखो ये
इसको अभी उबालेंगे, कम से कम 2 मिनट तक उबाल आएंगे अच्छे से ऐसे चलाते हुए। अब ये नींबू है तो थोड़ा सा 2 बूंद नींबू डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतने डालेंगे क्योंकि टमाटर में भी खटास रहती है, तो मिठास डाली है, गुड़ और शक्कर मिक्स डाले तो उसके लिए थोड़ा सा नींबू का टेस्ट अच्छा रहेगा। हमने इस तरीके से बनाई है तो चावल का अच्छा गाढ़ा हो जाएगा जब बिल्कुल सूख जाएगी। देखिए दोस्तों ऐसे बने हमारा टमाटर केचप, जो टमाटर केचप एक पाउच में आता है, ये वाले पाउच में, ये बन गए टमाटर केचप। ये बना लिया, अब इसको ये बन गया, कितना अच्छा बना बिल्कुल बाजार की तरह, और घर का बना अपना तो फिर और ही बात अलग होती है, कितना अच्छा लगता है और सफाई से अपन बनाते हैं, फिर मार्केट में तो मार्केट का ही जैसे स्वाद आ रहा, लेकिन मार्केट जैसे, मगर बना अच्छा है। और इस तरीके से हमने बनाया है, और आप भी बनाइए इस तरीके से और बच्चों को खिलाइए, आप भी खाइए। तो मैं तो घर पे बना लिया, कितना अच्छा बना, बच्चे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, पराठे के साथ या ब्रेड के साथ भी खाते हैं, या कहीं जाओ तो बर्नी में ऐसे प्ले कांच की या कैसे बर्नी हो अच्छी, उसमें प्लास्टिक में या भर के ले जाते हैं टिफिन में, तो सफ़र में भी खा सकते हैं बच्चे, जाते हैं तो उसमें जब भी ले जाओ तो सब्जी नहीं खाते तो पसंद नहीं करते, तो इसको तो टमाटर केचप को तो ज़रूर करते पसंद। हमारी वीडियो कैसी लगती है दोस्तों, आप अच्छी लगती हो लाइक शेयर कमेंट करें, और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।